स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग फ्लैश के कुछ और पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं, खासकर कुछ टूल्स पर। तो शुरू करते हैं। पेन टूल, जैसा कि आपको पता है, पेन का यूज़ हम नॉर्मली ड्रॉ करने के लिए या राइटिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। दिस टूल इज़ यूज टू ड्रॉ द प्रेसाइस पाथ ऑफ अ स्ट्रेट लाइन और स्मूथ फ्लोइंग कर्व। इसको हम स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए या कर्व बनाने के लिए यूज़ करते हैं। वी कैन ऑल्सो एडजस्ट द एंगल, एंगल को एडजस्ट करने में, लेंथ ऑफ द स्ट्रेट सेगमेंट एंड स्लोप ऑफ द कर्व सेगमेंट आफ्टरवर्ड्स। लूप और स्लोप दोनों को करने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर एंगल आपको दिख रहा होगा, स्लोप दिख रहा होगा, एंड लूप मतलब कई बार उसी चीज़ को फॉलो करना, जैसे ए बी सी तक ड्रॉ करती हुई लाइन को दोबारा से, और दो बार, तीन बार, चार बार, हम जितने बार भी करते जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ लूप। सेलेक्ट पेन टूल, इसके लिए क्या करते हैं, हमें पेन टूल को सेलेक्ट करना पड़ता है। क्लिक ऑन स्टेज टू डिफाइन द एंकर ए। आप स्टेज पोर्शन, इसे आप स्टेज अगर समझें, ये जो बॉक्स आपको दिख रहा होगा, अगर स्टेज आप स्टेज समझें, तो इसमें एंकर ए को हमने क्लिक किया। क्लिक टू क्रिएट द सेकेंड आकर पॉइंट बी एट द डिस्टेंस, और फिर दूसरी जगह बी पर हम क्लिक करेंगे तो एक लाइन आपकी ड्रॉ हो जाएगी। टू कंप्लीट एन ओपन पाथ, डबल क्लिक द लास्ट पॉइंट ऑन द क्लिक पेन टूल इन द टूल पैनल। क्लोज पाथ के लिए क्या होगा, आपको एक पोजिशन द पेन ओवर द फर्स्ट एंकर पॉइंट, अ स्मॉल सर्कल अपीयर नेक्स्ट टू द पेन टिप। जैसे ही दोबारा आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर एक स्मॉल सर्कल बन जाएगा। इस तरीके से हमें पेन टूल का यूज़ करना है। अब यहाँ पर एक दिख रहा होगा, ओपन पाथ का मतलब होता है ये सीधा सीधा, जहाँ से आप क्लिक करते जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ क्लिक किया ये पाथ बना, यहाँ से यहाँ क्लिक किया ये पाथ बना, यहाँ से यहाँ क्लिक किया दूसरा, यहाँ से यहाँ क्लिक किया एंड यहाँ से यहाँ क्लिक किया, तो ये लाइन सेगमेंट के थ्रू पाथ बन जाता है। जबकि क्लिक करके राउंड करने पर, और ये जो है, दिस इज अ क्लोज पाथ। क्लोज पाथ में क्या होगा, ये आके यहाँ पर मिल जाएगा और इसे हम क्लोज पाथ कहते हैं। इससे क्या होगा, एक लूप बन जाएगा। दिस इज नोन एज अ क्लोज पाथ। ओपन पाथ, ओपन पाथ में फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट आपस में कनेक्टेड नहीं होते, जबकि क्लोज पाथ में ये दोनों पॉइंट आपस में कनेक्ट कर दिए जाते हैं। पेंसिल टूल, जैसे आपने पेन टूल का यूज़ किया, ऐसे ही आप पेंसिल टूल का यूज़ करते हैं। देखिए, स्ट्रेटन एंड स्मूथ लाइन आपको दिख रही होगी। स्मूथ लाइन में यही कर्व जो फाइन कर्व बन जाता है, देखिए यहाँ पर शार्प टर्न है जबकि यहाँ स्मूथ टर्न है। इट इज़ अ फ्री हैंड ड्राइंग टूल्स, जैसे आप पेंसिल का यूज़ करते हैं। This tool helps to draw the line in three different modes. Number one is straighten, smooth and ink. अब तीनों का फॉर्म आपको दिख रहा होगा। स्ट्रेटन में क्या है, सेलेक्ट द स्ट्रोक कलर लाइन वेट एंड स्टाइल फ्रॉम द प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर। वो पहले भी आपने देखा था कि इसके कलर को हम चेंज कर सकते हैं, लाइन की विड्थ को, वेट को चेंज कर सकते हैं, और लाइन की स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। तो तीनों चीज़ों को हम सेलेक्शंस प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर से चेंज कर सकते हैं। हाँ, अब कैसे बनेंगी, स्ट्रेटन के लिए डिफॉल्ट ऑप्शन इज स्ट्रेटन। स्ट्रेटन मोड इज ऑटोमेटिकली स्ट्रेटन द लाइन ड्रॉ बाय द पेंसिल टूल। इसमें क्या होगा, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, जो भी आपकी यहाँ पर लाइन बन रही हैं, वो एक शार्प टर्न देंगी। 90 डिग्री का एंगल, 30 डिग्री का एंगल, एंगल शार्प होगा, पॉइंटेड होगा, जबकि स्मूथ में यहाँ एंगल नहीं होंगे। स्मूथ मोड स्मूथ इन द जर्क्स ऑन द एज। ये जो शार्प आपको एंगल दिखाई पड़ रहा था, पॉइंटेड दिखाई पड़ रहा था, वो ना होकर एक स्मूथ एंगल होगा जिसमें कि एंगल नहीं दिखाई पड़ेगा, टर्न दिखाई पड़ेगा। इंक, इंक मोड हेल्प्स टू फ्री हैंड ड्राइंग विथ नो मॉडिफिकेशन अप्लाइड। फ्री हैंड ड्राइंग के लिए हम लोग इंक का यूज़ करते हैं जिसमें मॉडिफिकेशंस नहीं होता। अब स्ट्रेटन में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एंगल आपको फाइन, जबकि स्मूथ में
यही चीज़ और अच्छी हो जाएगी, और इंक में भी लगभग वही फ्री हैंड ड्राइंग के लिए जो हम लोग टूल्स यूज़ करते हैं वो यूज़ किया जा रहा है। तो इस टूल का बेसिकली यूज़ जो है सारे टूल्स का आपकी प्रैक्टिस के लिए है कि आप कितने अच्छे से इस पे वर्क करना स्टार्ट करते हैं। बिफोर मेकिंग एनिमेशंस यू हैव टू वर्क ऑन ईच एंड एवरी टूल, सो यू हैव टू नो विच टूल इज इम्प्लीमेंटेड एट वेयर, किस जगह पर कौन से टूल की ज़रूरत पड़ेगी एनिमेशंस में, उससे पहले आपको उनकी प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। द सेलेक्शन टूल, सेलेक्शन टूल इज यूज टू सेलेक्ट अ सिंगल और मल्टीपल ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑन द स्टेज, एक या एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करने के लिए सेलेक्शन टूल का यूज़ किया जाता है। दीज आर डिफरेंट वे टू सेलेक्ट द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हर ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी होती है, तो हर प्रॉपर्टी को अलग रखते हुए सिलेक्शन टूल क्या करता है, एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को या एक ही ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के काम में आता है। सिलेक्शन सेलेक्ट अ स्ट्रोक फिल टेक्स्ट ब्लॉक और ग्रुप, सेलेक्ट दिस टूल्स टू क्लिक ऑन ऑब्जेक्ट। सबसे पहले ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं। सेलेक्ट द फिल्ड शेप ऑन द स्ट्रोक्स आउटसाइड द, डबल क्लिक टू फिल। और फिर उसके अंदर आपको जो शेप है, जो कलर है, उसके लिए डबल क्लिक करना है। वी हैव सेलेक्ट द फील्ड शेप्स एंड आउटसाइड ईदर बाय द ड्रैगिंग अ स्क्वायर स्क्वायर सिलेक्शन बॉक्स और अराउंड द ऑब्जेक्ट और बाय डबल क्लिकिंग ऑन द फील्ड। तो सिलेक्शन बॉक्स से हम जितने ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करते हैं वो स्क्वायर सिलेक्शन होगा, कि एक स्क्वायर के अंदर कितने सारे, जैसे आपने पहले देखा था स्टेज वाला कुछ पोर्शन दिख रहा था आपको स्क्वायर शेप में, ये वाला पोर्शंस। तो ऑब्जेक्ट्स, एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को हम क्लिक करके सेलेक्ट कर रहे थे। इसकी मदद से हम एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट कर सकते हैं, और सिलेक्शन टूल की मदद से हम उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो भी टूल्स अप्लाई करने हैं, जो भी वर्किंग अप्लाई करनी है वो कर सकते हैं। लैसो टूल्स, दिस इज़ फ्री हैंड सिलेक्शन टूल्स। ये किसी भी टूल को फ्री हैंड सेलेक्ट करता है। वी कैन यूज द टूल सेलेक्ट द इररेगुलर शेप एरिया ऑफ ड्राइंग। जैसे मान लिया ये यहाँ पर दो या तीन ऑब्जेक्ट है, तो हमने ये सेलेक्ट कर लिया, दिस इज फ्री हैंड सेलेक्शंस। पहले वाले में क्या था, जब हम सेलेक्ट कर रहे थे तो ये स्क्वायर सेलेक्शंस के थ्रू, जैसे हमने यहाँ से यहाँ तक को सेलेक्ट किया तो यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ तक ड्रैग करके ले गया, तो ये स्क्वायर शेप में जितने ऑब्जेक्ट्स होंगे, मान लिया यहाँ पर दो तीन ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सेलेक्ट हो जाएंगे। दिस इज नोन एज अ सिलेक्शन टूल, दिस इज नोन एज अ लैसो टूल। लैसो टूल से फ्री हैंड सेलेक्शन जितना भी हम करना चाहें कि कितने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होंगे, ये इसके अंदर के ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएंगे फ्री हैंड सेलेक्शन से। क्लिक ऑन द लैसो टूल्स, मूव द पॉइंटर ओवर द स्टेज एरिया, स्टेज एरिया पे जाएंगे, चेंज द लैसो शू टूल्स एंड क्लिक द ड्रैग लैसो अराउंड द ऑब्जेक्ट अंटिल वी रीच द पॉइंट वेयर वी स्टार्टेड। जहाँ तक हम शुरू नहीं करना है वहाँ तक हम लैसो टूल के थ्रू सिलेक्शन कर लेंगे। अब आता है सब सिलेक्शन टूल्स। एक सिलेक्शन आपने कर लिया, उसके बाद आपने उसका सब सिलेक्शन किया। देखो यहाँ पर एक लैसो टूल्स का एग्जाम्पल दिखाया जा रहा है कि फ्री हैंड सिलेक्शन इस ऑब्जेक्ट्स को किया गया है और इसका एक पोर्शन सिलेक्ट किया जा रहा है। देखिए ये ड्राइंग आपको दिख रही होगी नीचे फ्री हैंड से, और जैसे ही इसको सेलेक्ट करके हम ड्रैग करते हैं तो देखिए जो पोर्शन इसका सेलेक्ट किया गया था वो इससे ड्रैग करके हटाया जा रहा है, उसमें करेक्शन किए जा रहे हैं। आफ्टर सेलेक्टिंग दिस टूल्स क्लिक ऑन ऑब्जेक्ट एंड नोड्स विल अपीयर, यू कैन चेंज द ऑब्जेक्ट शेप यूजिंग द नोड्स। इसको यूज करके आप उसका पोर्शन, जो जो ऑब्जेक्ट है उसके पोर्शंस को आप सब सेलेक्शन टूल की मदद से उसमें चेंजेस कर सकते हैं, उसमें बदलाव कर सकते हैं। द कलरिंग टूल, इसको समझाने की तो ज़रूरत ज़्यादा नहीं है, फिर भी ये कलर के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें ब्रश की अलग अलग टाइप है, जैसे आप नॉर्मली पेंट करते हो तो आपको विंडो पेंट करनी है और पतली चीज़ों को पेंट करना है तो पतला ब्रश लेना पड़ता है, मोटी चीज़ों को पेंट करना है या वॉल को पेंट करना है तो बड़ा सा ब्रश लेते हैं, दरवाजे को पेंट करना है तो स्मूथ पेंट लेते हैं, स्मूथ ब्रश लेते हैं, और अगर बाहर की बाउंड्री वॉल को केवल पेंट करना है तो रफ कूची से भी काम चल जाता है, रफ ब्रश से भी काम चल जाता है। तो ये सारी चीज़ें
डिपेंड करता है कि कहाँ पर हमको किस तरह के टूल्स का यूज करना है। इट कैन बी यूज टू जस्ट लाइक अ ब्रश और कैनवस, यू कैन पेंट अ शेप और डिजायर्ड कलर यूजिंग द ब्रश टूल्स। यू कैन स्पेसिफाई द ब्रश मोड सेलेक्टिंग द ब्रश साइज शेप यूज ब्रश टूल्स मॉडिफिकेशन। यहाँ पर देखिए नॉर्मल और दूसरे तरीके के यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं टूल्स। ये लैसो टूल्स में तीन ऑप्शन सबको दिखाई पड़ रहे हैं, मैजिक, मैजिक वर्ड एंड पॉलीगन मोड। पॉलीगन मोड के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कई सारे जिसमें कॉर्नर्स हो, कई सारी जो गन हो जिसे हम आर्म के नाम से समझ सकते हैं, उनके लिए टूल्स है। अब यहाँ पे बात हो रही जो कलरिंग वाली बात है कि कैसे हम इसको यूज करेंगे। पेंट ओवर द लाइन्स, फिल फिल एम्प्टी एरियाज, लिविंग द लाइन्स अनअफेक्टेड, बिना लाइन्स को अनअफेक्टेड करे हुए। और ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर, इनको अगर हम पिक्चर्स की फॉर्म में देखें तो यहाँ पर एक पिक्चर्स बनी हुई है। आप देखिए इसको समझने के लिए, ऐसे पेंट किया हुआ है। पेंट नॉर्मल में एक नीचे पीछे एक एलिप्स बना हुआ है और उसके ऊपर नॉर्मली आप पेंट कर रहे हो, ठीक है। आप चाहते हो कि नीचे वाला जो ऑब्जेक्ट था वो ऊपर उभर के आए, पेंट जो है वो बैकग्राउंड में दिखाई पड़े, मतलब ऐसा लगे कि रिंग जो है वो ऊपर है। तो पेंट फिल हम इसके ऑप्शंस को चूज करेंगे तो ऐसा दिखाई पड़ेगा। पेंट नॉर्मल में तो ऐसा ही है जैसे किया, पहले सर्कल बनाया फिर उसके ऊपर से पेंट कर दिया। अब पेंट फिल में ये उस पोर्शंस को पेंट कर रहा है। पेंट बिहाइंड में ये दिखाएगा कि जो आपने पेंट किया था, जो बिहाइंड वाला ऑब्जेक्ट है वो ऊपर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि सर्कल ऊपर आ जाएगा और जितना पोर्शंस उससे बच जा रहा है उस सर्कल के ऑब्जेक्ट के बाद, वही आपको दिखाई पड़ रहा है। फिर सिलेक्शंस का है तो उस सर्कल के अंदर जितना पेंट हुआ है वही केवल दिखाई पड़ेगा। लास्ट में पेंट इनसाइड केवल उस ऑब्जेक्ट के अंदर के पोर्शंस को ही दिखाए, बाहर के पोर्शंस को नहीं। तो ये पेंट के अलग अलग मोड हैं ब्रश के, जिनकी मदद से हम अपने करेक्शंस को कर सकते हैं, मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट्स को और अच्छा बना सकते हैं कलर करके। इसके बहुत सारे और टूल्स हैं, बेसिकली इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे सॉफ्टवेयर पर या सॉफ्टवेयर की वर्किंग नहीं होगी तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर उतनी अच्छे से नहीं हो सकती। ओके, हैव अ नाइस डे। आपको एक बार दोबारा से इनको देखना है कि क्या चीज़ किसके लिए यूज़ की जा रही है। लैसो टूल क्यों यूज़ किया जाता है, सिलेक्शन टूल क्यों यूज़ किया जाता है, एक एक लाइन में उसका यूज़ हमको बताइए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।